पैकेज हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम रैप एंड राइड और दिस इज द पैकेज जिसके अंदर ये सामान जो है वो आता है. एंड थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसको खोलता हूँ. एंड उसके बाद मैं एक लोकल शॉप में, मैं खुद अप्लाई नहीं करने वाला इसको, मैं कोई लोकल शॉप में जाऊँगा, एक स्पेशलाइज्ड बंदा जो होता है रैपिंग या फिर जो ये सब चीज़ें को काम ग्राफिक्स का काम करता है, उनसे प्रॉपर हीट गन से अप्लाई करूँगा. क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेरे को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ज़रूर ये बताना कि इसको कैसे लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही स्टेप रहता है. और प्लस में लगाने के बाद आप कोशिश करना कि उसको ओवरनाइट आप ना चलाएं, या मतलब एज इन द 14 and 16 hours ना चलाएं, ताकि वो सेटल हो जाए. और जब आप लेकर जाएं तो उसके कॉर्नर से एक बार हिट और मार दोगे ना तो कभी भी नहीं उतरेगी. एक बार इसको हम करते हैं अनबॉक्स. पैकेजिंग तो मेरे को बहुत अमेजिंग लगी. यहाँ पर उनका CEO है एंड दिस इज द स्पॉन्सर्ड ऑर्डर फॉर यूट्यूब. एंड यहाँ पर इनवॉइस में मेरा कुछ एड्रेस एंड टोटल अमाउंट आई हैव पेड जस्ट 300 rupees, दैट्स द कुरियर चार्जेस एंड दैट्स द TVS Nantok / डिज़ाइन. इट्स अ 3M, मतलब वेरी पावरफुल, बहुत सही है. आओ इनको खोले. तो भाई ये चाकू मैं मांग के लाया हूँ यहाँ पे. अब बुच्चर वो है ना चल रहा आजकल बर्ड फ्लू, तो उसके चक्कर में बुच्चर कुछ काम तो कर नहीं रहे. तो उन्होंने बोला कि भैया आप ले जाओ इसको, आप अच्छे से अनबॉक्स वीडियो बनाना. एक कट हो गई, दो कट हो गई, तीन कट हो गई एंड चार कट हो गई. यहाँ पर ये परफेक्ट. तो अपने को यहाँ पर एक की चेन देखने के लिए मिल जाता है. लुक्स अमेजिंग, रैप एंड राइड इनका अपना है, डिज़ाइन बाय डिज़ाइन योर राइड, बहुत अमेजिंग. अरे यहाँ पर मिलते हैं हमारे को अच्छे से रैप किए हुए, ऊपर आपको मिल जाते हैं फुल डिज़ाइंस एंड सही लग रहा है, बहुत फाड़ लग रहा है. बट अभी हम इसको नहीं खोलेंगे, हम इस बॉक्स को वापसी पैक करेंगे, क्योंकि खुलने के बाद ख़राब हो कुछ हो इसको सीधा हम शॉप पे जाएंगे एंड वहीं पे हम खोलते हैं. सो भाई आज फाइनली वोला दिन आ चुका है जिसके अंदर आज हम अपनी स्किन लगवाएंगे, एज इन द स्लैश्ड विनाइल ग्राफिक्स जो है 3M, जो मेरे पास रैप एंड राइड की तरफ से आए थे. तो आज हम लगवाने के लिए जा रहे हैं फाइनली. एंड मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि कैसे अप्लाई करते हैं, ग्राफिक्स को कैसे अप्लाई करना है, और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा 1 month के बाद. और अभी जो है मैं आपको सीधा ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके चलता हूँ. मेरे को बहुत स्कूटी, अभी मैंने जस्ट बाइक लिया था, इसमें Nantok ही चलाता था, मैंने काफ़ी काम करा रखा है. दिस सीट इज़ अ कस्टमाइज सीट, ये सबसे पहले मतलब मैंने सीट बनवाई थी, उसके बाद देखा देखी आगे लोगों ने बनवाई, दिस इज़ अ खजांची मेड एंड बहुत अमेजिंग लगती है स्कूटी, बहुत बाप है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्कूटी है. यहाँ से अब चलते हैं भाई. एक तो ये वाला जो है ना इसको थोड़ा सा अप करवाएंगे, इसका ओरिजिनल वाइजर नीचे लगवाएंगे, उसको चेंजेस कराऊंगा, मिरर्स को हटवाऊंगा, वो बात की बात है. अभी हम सिर्फ इस वीडियो को ग्राफिक्स तक रखते हैं. फाइनली मैं खोल के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर कितने पीसेस आते हैं. एंड तो इन्होंने 3-4 शीट्स दिए, जैसे साइड का है या आगे फ्रंट का है, सब अलग अलग पार्ट्स हैं, तो अलग अलग काट काट के हमारे को कटे हुए पीसेस लगाने हैं बस. चलो देखते हैं यार वीडियो को आगे. तो भाई सबसे पहला पार्ट चल रहा है हमारा यहाँ पर एसेसरीज उतरने का, और पूरी स्कूटी की एसेसरीज उतरेगी. उसके बाद ये जितने रैप्स है ये जो ख़राब हो रखे हैं सबको उतारा जाएगा, एंड ये जो लोगोज है Nantok TVS कंपनी की ब्रांडिंग, ये सबको निकाला जाएगा.
फुहारा मार दिया था ना, पेट्रोल मार था कुछ साहब। जबरदस्त लग रहा है। अरे जब पूरी लगेगी ना भाई आप तब देखना। तो भाई जब आप ये टेपिंग लगाते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये ऑफ बिल्कुल ना हो। अगर आपने स्टार्टिंग ही कर दी ना तो वाइट पट्टियाँ लग जाएगी, ब्लैक ऊपर लग जाएगी, वो कभी मैच ही नहीं कर पाएगी। तो यही आर्ट है कि कैसे इस रैप को सेट करना है और उसके बाद हीट को अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार हीट अप्लाई कर दी, गम एक्टिव कर दी, फिर बाद में दिक्कत आती है। पूरी वीडियो को देखो, देखो कैसे अप्लाई करती है इसको। पार्ट लगने के बाद ही क्या अलग लेवल का लग रहा है। एंड आगे का जो वर्ड गार्ड है वो मेरा एक्चुअली टूट गया था, तो ये थोड़ा सा कटिंग कराया, इसमें थोड़ी सी चेंजेस कराएंगे हम। एंड अब पूरी स्कूटी वो लेकर दिखाऊंगा आपको बाद में कि ओवरऑल कितनी हमारी पार्ट फिनिशिंग आई है लगाने के बाद। जैसे जिसने कोई चैनल बना रखा है उसको हम इस चैनल के थ्रू ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसको। तो भाई कुछ पार्ट जो है हमारे यहाँ पर लग चुके हैं, इसके बाद मैं आपको फाइनल बिल्कुल जब पूरी तैयार हो जाएगी ना स्कूटी तब मैं आपको लेके चलूँगा। यहीं पे अपनी जो कस्टमाइजेशन थी, रैपिंग थी, वो पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। एंड कल मैंने रैपिंग कंप्लीट कराई थी, आई थॉट कि इसको थोड़ा सा फिनिशिंग होने के बाद मैं नेक्स्ट दिन वीडियो बनाऊंगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ पूरा, दिखाऊंगा आपको सिनेमैटिक शॉट्स। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बट हाँ, जिसके पास मैं ग्राफिक लगाने के बाद गया था वो उतना बढ़िया नहीं था, मेरे को काम में उतना मज़ा नहीं आया। अभी थोड़ी सी फिनिशिंग मंगती है क्योंकि एक तो मौसम ऐसा थोड़ा सा ठंडक है, तो गर्मी वाला मौसम होता है तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है एंड गमिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अभी थोड़ी सी हल्की सी हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी बहुत ज़्यादा फाड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है।